मुसन्नफ कहता है कि चाहे इससे आपके दिल को कितनी ही ठेस क्यों ना पहुंचे और कितना ही सदमा क्यों ना हो, इसीलिए मुसन्नफ अपने एक दोस्त की मिसाल देता है कि मेरे एक दोस्त अहमद मिर्ज़ा हैं, जिन्हें मैं बड़बड़ाया दोस्त कहता हूँ। नहायत माकूल आदमी हैं, मेरी इनकी नहायत पुरानी और बेतकल्लुफ़ी की दोस्ती है, गर्ज़ इनका आना भुंचाल के आने से कम नहीं। तो इसी तरह से मुसन्नफ अपने दूसरे दोस्त की हालत बयान करते हैं कि मेरे दूसरे दोस्त मोहम्मद तहसीन हैं, ये बाल बच्चों वाले साहिब हैं और रात दिन इन्हीं की फ़िक्र में रहते हैं। जब कभी मिलने आते हैं तो तीसरे पहर के करीब आते हैं। मैं जब काम से फारग हो चुकता हूँ लेकिन इस कदर थका हुआ होता हूँ कि दिल यही चाहता है कि एक घंटा आराम कुर्सी पर खामोश आराम से कुर्सी पर ही खामोशी से पड़ा रहूं। मगर तहसीन साहिब आते हैं, इनसे मिलना ज़रूरी होता है। इनके पास बातें करने के लिए सिवाय अपने बीवी बच्चों की बीमारी के और कोई मजमून नहीं होता। इसी तरह से मुसन्नफ़ अपने एक और दोस्त मुकदमेबाज दोस्तों के बारे में बताते हैं कि इसी तरह मेरे एक मुकदमेबाज दोस्त भी हैं, जिन्हें अपनी रियासत के झगड़ों और अपने फरीक मुहालफ की बुराइयों और जज साहिब की तारीफ़ या मजम्मत के अलावा कोई मजमून नहीं आता। इसी तरह से शाकर खान साहिब के बारे में कहते हैं कि शाकर खान साहिब मौजू ज़िला सलीमपुर के रईस और ज़िला भर में नहायत मोजिज़ आदमी हैं। एक मरतबा मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और बहुत इसरार से मुझे सलीमपुर ले गए। मुझे लिखने के दौरान में बार बार परेशान किया गया, यहाँ तक कि बार बार इसरार करने पर भी खाने के लिए चला जाता था। वहाँ पर मेज़बान नहायत अहलाक से फरमाते हैं कि चेहरे पर थकन मालूम होती है कि